ये समझते हैं। तो लिखा है कि उसने, जिसका नाम है यीशु, आमीन, लिखा है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें, उस वक्त में जो यीशु के चेले थे, उन्हें लिखा है जीवित दिखाया। और फिर नीचे लिखा है कि 40 दिन तक वह, यानी यीशु, उन्हें, यानी उसके चेले, लिखा है दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की, आगे बोल दीजिए, बातें, वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, लिखा है कि परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। कितने दिन? 40 दिन। बहुत अच्छे लोग हैं, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, इसी को बरकरार रखिएगा, वादा करता हूं सबको चाय पिलाऊंगा। लिखा है 40 दिन यीशु अपने चेलों को जी उठने के बाद 40 दिन दिखाई देता रहा और वो जब जब, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, वो जब जब दिखाई देता था 40 दिनों के दरमियान, तो लिखा है कि वो उनके साथ कॉफी पीता था। Come on, speak. नहीं, वो उनके साथ पिकनिक जाता था। नहीं, बहुत साफ लिखा है वो राज्य की बातें करता था। यीशु, जिसको मैं जानता हूं, और यहां जितने प्रभु के आदरणीय दास बैठे हैं, रिस्पेक्टेड पास्टर्स, लीडर्स, प्रभु के सेवक बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि यीशु अपनी बातों में सटीक था, एक्यूरेट था। वाओ, रिस्पांस कम आ रहा है। अब ये था, ये होना था, यस, ये होना था। वापस आते हैं, यीशु अपनी बातों में सटीक था, एक्यूरेट था। ये देखिए, अच्छा लगता है ना, बात परमेश्वर की हो रही है, किसी व्यक्ति की नहीं है ना, तो उसको महिमा देनी चाहिए। जिस यीशु को मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, यानी कि बाइबल को, मुझे कहीं पे भी, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे कहीं पे भी यीशु मसीह अटकता हुआ बात करता नहीं दिखाई दिया। वो सटीक था, वो जब कहता था तो कहता था, और ऐसा कहता था कि अच्छे अच्छे मेरा हाथ देख लो, हिल जाते थे। जो भीड़ उसके पीछे चलती थी वो कहती थी, कैसे बोलता है ये, शास्त्री फरीसियों की नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलता है, ये ऐसे बोलता है मानो कोई अधिकारी है। और जब यीशु बात करता था, सोचिए अभी हमको यहाँ 700-800, अगर मैं गलत है, या 1000, मुझे नहीं पता, हमको ये पीए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, यीशु की आवाज में क्या बुलंदगी होगी, वो एक साथ में 5000 लोगों को प्रचार करता था। कुछ लोगों के हाथ नहीं बजने, पता नहीं क्या बात है, लेकिन बजने चाहिए। फिर कह रहा हूँ, बात यीशु की हो रही है, आमीन। बस फर्क इतना है कि मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, अगर मैं वहाँ होते, आप यहाँ होते, तो मैं जरूर दावी हो जाता, बात यीशु की हो रही है। यीशु की आवाज, यीशु का बात, यीशु का तरीका ऐसा था, वो कभी टाइम पास नहीं करता था। आप है मेरे साथ में? तो जिस यीशु को मैं अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लिखा है कि वो 40 दिन, चित्र देख लीजिए, मुझे यहीं पर वापस आना पड़ता है, 40 दिन, तो लिखा है जी उठने के बाद, आफ्टर हिज रेजरेक्शन, जी उठने के बाद 40 दिन वाला यीशु। क्या कभी आपने ये सोचा है कि बाइबल पढ़ते वक्त में ये 40 दिन वाला यीशु, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या कभी आपने ऐसे उठाकर, या कहते हैं कि हाईलाइट कर आपने कभी पढ़ा था? एक औरत है बाइबल के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, उसका नाम है हजीरा, जिससे उसकी शादी या जिससे उसके बच्चे हुए थे, उसका नाम है अब्राहम। और आपको पता है कि उसको एक बेटा हुआ था, उसका नाम था इश्माएल। और जब वो बच्चा पानी के कारण तकलीफ में था, तो उसने चीख लगाई, किसने? हजीरा ने। तो उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि देख भाई क्या चल रहा है, आप बाइबल पढ़ लीजिएगा, जानते हो स्वर्गदूत ने क्या कहा, अपनी आंख उठाकर देख, कुआं यही है। ओ, रिपीट करता हूं, ठीक है, वो कहता है स्वर्गदूत, अपनी आंख उठा के देख, कुआं यही है। रास्ते में नहीं पढ़ना, मरकुस 16 का 1 से, रास्ते में बहुत सारी महिलाएं, और जिसमें पहला नाम आता है मेरी मैग्डलीनी का, मेरी मैग्डलीनी, मरियम मैग्डलीनी, हाँ, उसका नाम आता है, और यीशु की बहनें, मरियम की बेटी सलोमी, ये सारे लोग जब रास्ते में जा रहे थे, तो कहते हैं कि पत्थर कौन लोड करेगा, याद आ गया होगा आपको। तो आगे वचन कहता है कि जब ठीक से आंख
आगे मुंह भिजना उठाई, जब ठीक से आंख उठाई तो क्या देखा कि पत्थर तो पहले से उड़ गया है। तो कुछ चीजें वही होती हैं, आंखें चाहिए देखने के लिए। ये रहा सही आंसर रिस्पॉन्स। वापस कहते हैं कि चीजें वही होती हैं लेकिन आंखें चाहिए देखने के लिए। तो वैसे ही कुछ बातें हैं बाइबल में, हम पढ़ते जाते हैं धर 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 धर, लेकिन कभी ऐसा एक वचन उठकर आता है। बर्दाश्त करो। एक व्यक्ति था, उसका नाम था खोजा यूनक। पढ़ रहा था, नहीं समझ रहा था, तो पवित्र आत्मा ने बोला अच्छा उसकी मदद करो, क्योंकि वो पढ़ तो रहा है समझ नहीं रहा है। जब फिलिप को भेजा गया तो फिलिप कहता है कि जो पढ़ रहा है समझ में आ रहा है, कहता है कि जब तक कोई ना समझा है मैं कैसे समझूंगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है बेटा इसलिए तो उसको भेजा है। वाओ, कुछ कुछ वचन ऐसे होते हैं जो उठकर आते हैं और आपको समझना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ जाते हैं नहीं समझ पाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके आगे का स्लाइड देखिए प्लीज। आर यू रेडी फॉर दिस? पढ़िए, लिखा है कि आज 21वीं सदी की मसीहत किस इशू को जानती है। बहुत ध्यान से सुनेगा, आज 21वीं सदी की मसीहत किस इशू को जानती है, क्योंकि जिसको हम बाइबल कहते हैं ग्रीक में बिब्लिया, इस पुस्तक को हमारे पास में जब पहुंचाया गया, आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश, आपकी गुजराती, आपकी मराठी, आपकी तेलुगु, तमिल, मलयालम और न जाने कितनी भाषाओं के अंदर इसको जब ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो ट्रांसलेट करते वक्त में कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज पहुंची हमारे पास में। जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था वो वहां पर रह गया, लेकिन कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज हमारे पास में पहुंची। और जब हम इसको पढ़ते हैं, कई ट्रांसलेशन में एरर है वो बात अलग है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो जिस बाइबल को आप पढ़ते हैं और जो पढ़ाता है, बहुत ध्यान से सुनेगा, एक पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ाता है। अभी मैं आपके लिए यहां हूं, आप यहां पर आए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बाइबल को ही पढ़ा रहा हूं, आपने जो पढ़ रखा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस 21वीं सदी में जहां मसीहत है उसने कैसे पढ़ा है और कैसे पढ़ाया है, क्योंकि जिस ईशु को पतरस प्रचार करता था क्या वही पढ़ाया जा रहा है, जिस ईशु को पौलुस प्रचार करता था क्या वही पढ़ाया जा रहा है। तो प्रश्न उठता है कि 21वीं सदी में किस मसीहत को, 21वीं सदी की मसीहत किस यीशु को जानती है। मैं कुछ कुछ चीजें रखूंगा, लेकिन आइए कुछ वचन पढ़ते हैं। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है अय्यूब। जब अय्यूब के तीन दोस्त, खास करके एक व्यक्ति रखूंगा अभी, जब अय्यूब के तीन दोस्त बातें कर रहे थे, एंड दिस वॉज द लास्ट चैप्टर, आप देख सकते हैं 42 चैप्टर है ये, 42वां। कहता है कि ऐसा हुआ, पढ़ सकते हैं साथ में, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, इसका एक नाम है, नाम क्या है सर, तेमानी एलीपज, उसने कहा मेरा क्रोध, शब्द को जिसको मैंने हाईलाइट किया है, लिखा है कि मेरा क्रोध तेरे और दोनों मित्रों पर भड़का। शब्द पे ध्यान देना, क्रोध भड़का है। अब प्रश्न होता है क्यों, लिखा है क्योंकि जैसे ठीक बात, पीछे दिखाई दे रहा है या पीछे, सबका ध्यान है पीछे पीछे पीछे, सब 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 ओके, लिखा है कि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। आपका शहर प्रयागराज, मेरा शहर मुंबई महाराष्ट्र, इन 2000 सालों में जो पहला व्यक्ति भारत के जमीन पे कदम रखा था जिसका नाम है थॉमा, उसने क्या पेश किया था और कैसे पेश किया था, उसके बाद वे सदियां बीतती गई बीतती गई बीतती गई बीतती गई। प्रश्न उठता है, खुदा कहता है, यहोवा कहता है, एलोहिम कहता है, ईशु कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि कैसे पेश कर रहे हो मसीहा को और किस वाले को, इसको पढ़िए प्लीज। कहता है पहला पत्र चाहता क्या रहा, यदि कोई बोले अच्छा लगेगा पढ़ लीजिए, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, लिखा है यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। तो जिसके चलते, जिसमें सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता
परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, महिमा साम्राज्य युगानुयुग उसी को हो। परमेश्वर को महिमा कब मिलती है? आई होप सबका फोकस है, परमेश्वर को महिमा कब मिलती है? जब उसको ठीक से पेश किया जाए। परमेश्वर की तारीफ कब होती है? बोल दीजिए, जब उसको ठीक से पेश किया जाए। परमेश्वर को गुस्सा कब आता है? अगर उसको ठीक से पेश ना किया जाए। आपका चर्च, आपकी मिनिस्ट्री, आपका डिनोमिनेशन सब अपनी जगह पे, लेकिन अगर परमेश्वर को ठीक से नहीं प्रकट किया तो वही खुदा तुमसे, तुम्हारी डिनोमिनेशन से और तुम्हारी संस्था से लिखा है भड़क जाएगा। मैं सही हूं या गलत? कम ऑन स्पीक। एग्जैक्टली, मैंने फर्स्ट डे कहा था मैं इस मंच से गद्दारी नहीं करूंगा। या आई होप कि पीछे सब ठीक है, बच्चे पीछे वाले बच्चे या उधर उधर उधर, हाँ आई होप ये लोग सुन रहे हो। या प्लीज फोकस, बहुत जरूरी है, परमेश्वर हर जाएगा। तो जिसके चलते लिखा है कि ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। नाउ मैं चाहता हूं कि इस इशू को आप जानते हैं, जिसको कहते हैं आप इस इशू को जानते हैं और जिसके चलते चित्र देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा। तो जिसको कहते हैं, जिसका प्रचार बहुत ज्यादा एक ग्रुप द्वारा पूरे विश्व भर में किया जाता है और कम से कम 50 तक का है वो लोग। अगर आपको इशारा मिल गया, चित्र फिर से रख देता हूं। और हर साल क्रिसमस मनाया जाता है जो कि अभी अगले महीने आ रहा है। पास्टर डैन हिल, क्या आप क्रिसमस के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको यीशु के जन्म से कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। मुझे दिक्कत है उस व्यक्ति से जो लाल कपड़ा पहन के आता है। मुझे दिक्कत है उस हरे पेड़ से जो यीशु से भी ज्यादा फेमस हो गया है। मुझे दिक्कत है उन सभी चीजों से जो यीशु को पीछे छुपा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शॉपिंग मॉल चले जाओ, न्यूज़पेपर उठा लो, कोई न्यूज वाला होगा यहाँ पे, आपकी मीडिया नाम किसी का नहीं होगा, चिंता मत करिए, इन किसी को भी देख लो। जैसे ही 24 तारीख की रात 12 बजते हैं, कहता है कि बच्चा पैदा हो गया, बेबी इज बॉर्न, बेबी इज बॉर्न। भाई आपको कौन समझाए, ये बेबी नहीं सबका बाप है, ये बेबी नहीं रहा, ये बाप बन गया है। अब है मेरे साथ में। मुझे दिक्कत तब आती है जब कोई कहता है कि हैप्पी क्रिसमस, अच्छी बात है, फिर ये लाल कपड़े वाला आदमी क्यों आ रहा है सामने? यीशु कहां है? कमान, यीशु कहां है? तो आप इसको जानते हैं और इसको इतना पेश किया गया है, लिखा है 50% 50% एक ऐसा कौम है आपके हमारे बीच में जो बहुत हाईलाइट करता है इस बेबी को। आप इसको जानते होंगे या इसका प्रचार किया जाता होगा, जिसको कहते हैं कि 12 साल वाला यीशु। आप ही के बाइबल में है, हमारी ही बाइबल में लिखा है कि 12 साल वाला यीशु। ओ यीशु ने 12 साल की उम्र में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते थे पता चलेगा। आप इसको जानते होंगे जिसको कहते 12 से 30 साल तक, यानी कि बीच के 18 साल वाला यीशु। आपने इसकी रिसर्च की होगी, आपने इसको पढ़ा होगा, आपने इसको जांचा होगा, आपने इनको जाना होगा, इसके बारे में प्रचार भी किया होगा। आई होप सबको दिख रहा है, राइट? सब लोग ठीक है? या आपने इसको भी जाना होगा, आपके चर्च में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके डिनोमिनेशन में ये बातें चलती होगी। और ये तो खूब है, जिसको कहते हैं 3.5 साल वाला यीशु। मेरे साथ बने रहे प्लीज। 3.5 साल वाला यीशु, लिखा है कि 3.5 साल वाले यीशु को तो खूब प्रचार किया जाता है। मेरा सब्जेक्ट है सिर्फ प्रचार। किसको हम हाईलाइट कर रहे हैं? वो बेबी को किसको हाईलाइट कर रहे हैं? वो 12 साल वाले यीशु को किसको हाईलाइट कर रहे हैं? वो 3.5 साल वाला यीशु को? कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न उठता है कि भारत को क्या चाहिए? आऊंगा। तो 21वीं सदी में क्या प्रचार हो रहा है, किसको पेश किया जा रहा है? तो यीशु जो कि ऐसा परमेश्वर था, यीशु एक ऐसा मसीहा था, यीशु एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, यीशु एक ऐसी शख्सियत थी, अगर पानी को कह देता था कुछ तो पानी अपनी रंग बदल देती थी। वाह, अगर जी वो रील में है, वो रील में है, किसी ने कहा कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये कहता है कि मैं लाइनें बनाता हूं।
अब मेरे साथ में ये वो है, जब पैदा हुआ था तो जमीन हिल गई थी, आसमान हिल गया था, ऊपर के जितने ग्रह हैं वो हिल गए थे। कहीं दूर देश में जो मसीहा को जानते तक नहीं थे, जो यहूदी थे भी नहीं, वो शास्त्र को पढ़ रहे थे, तो तारे ने कहा कि कोई राजा पैदा हुआ है। तो उठते ऊंट के ऊपर न जाने कितने ज्योतिष, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, वो सारे के सारे पहुंच गए और जाकर कहते हेरोदेस से, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में एक और राजा पैदा हुआ है। और वो राजा तक नहीं गया जिसको कहते हैं हेरोदेस। रात की नींद खराब हो गई थी साहब उसकी, आपने नहीं सुना तो रिपीट करता हूं, रात की नींद खराब हो गई थी उसकी, किसकी? और बच्चों को कटवा रहा था। ये वो मसीहा है, खुद तो पानी में चलता था और दूसरों को चलाने की ताकत रखता था। क्या बात है, अब मेरे सामने ये ऐसा मसीहा है जो मरकर चार दिन हो गया था और उसने सिर्फ अपनी एक आवाज लगाई, और वो तो शुक्र है कि उसने नाम लेकर आवाज लगाई, नहीं तो जितने मुर्दे अंदर थे सब आदत पा रहे थे कि लाजर सिर्फ बाहर आएगा, कि लाजर सिर्फ बाहर आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुमको नहीं बुलाया गया है। आप मेरे साथ में, मैंने कल भी कहा था कि यीशु मसीह बहुत सटीक है, यीशु मसीह बहुत पर्टिकुलर है, यीशु मसीह वही करता है जो उसको करना होता है। आमीन। आपने देखा होगा, आपकी किताबों में पढ़ा होगा, 12 साल की लड़की जिसको कहते हैं कि मर चुकी थी, बाप कहता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, नौकर कहता है अब मसीहा की जरूरत नहीं है, यीशु ने कहा कुछ नहीं केवल विश्वास कर। यीशु पहुंचते हैं और लड़की जिंदा होती है। आपको ये भी कई प्रचार किए जाते होंगे कि यीशु ने तूफान को थमा दिया या तूफान को थमा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मसीहा अपना हाथ उठाता है और आंधी तूफान थम जाते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं जो कि आपको अच्छा लगेगा, सुन लीजिएगा। जब पत्रस ने यीशु को देखा कि पानी पर चलकर आ रहा है, तो उसने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा आ, अगर इस बोट में, पत्रस कहता कि मैं भी थमाना चाहता हूं, डंके की चोट पे बोलता वो भी थमा देता। यह ऐसा मसीहा है जो ताकत रखता है और ताकत देता है। आप जीसस क्राइस्ट, आप किसी लकड़ी वाले मसीहा को नहीं मानते, आप किसी प्लास्टिक और पत्थर वाले मसीहा को नहीं मानते, ये लकड़ी प्लास्टिक और पत्थर को बनाने वाला मसीहा है, आप इसको मानते हैं। और मुझे घमंड है इस बात का कि मैं स्पुटपिट से इनकी बात कर रहा हूं, मैं हड्डी मांस के इंसान की बात नहीं करता। आप मेरे साथ में, वो हैं और वो चले जाएंगे, वो चाहे कितने भी बड़े तुरुन खान क्यों ना हो, ये था, ये है और ये रहेगा। अब मेरे साथ में, तो इस मसीहा को भी जानते होंगे या इसका भी प्रचार खूब चलता है बस चर्चों में, 5,000 की भीड़ को खिलाया। क्या गजब का आदमी है साहब, कैलकुलेटर खराब हो जाएगा, किसी का माथा खराब हो जाएगा, ये 5 रोटी 2 मछली से खिला कैसे सकता है। और आपको बता दूं, यहां पर भी कुछ हुआ है कि यीशु ने कहा रोटी को उठाकर कि पिता धन्यवाद, ही डिड प्रे, उसने कहा धन्यवाद और चेलों को दिया। जब चेले बांट रहे थे तब हो रहा था चमत्कार। आपने नहीं सुना तो रिपीट करो कि जब चेले बांट रहे थे तब हुआ है चमत्कार। यीशु को पता था मैं नहीं बांट सकता, इनको ही बांटना है, लेकिन चमत्कार इनके हाथों से ही होगा। ये है मसीहा, पानी पे चला सकता है, पानी पे चला सकता है, चल सकता है, पानी को कह सकता है, पानी अपना औकात बदल सकती है। ये है मसीह। आपने सुना होगा इस औरत के बारे में, कई प्रचार करते हैं, 12 साल की स्त्री, लहू रोग, ऐसी औरत जिसको कहते हैं कोई इलाज नहीं हो सकता, पैसे खर्च डॉक्टर के, जिसको कहते ना कार्ड, विजिटिंग कार्ड, वो खत्म, किसको जाकर मिले, थक हार कर रस्ते से जा रही थी। लिखा है मरकुस, नहीं पढ़ना, 5:25 Mark 5:25 कहता है कि उसने अपने कानों से, कोई बता दे प्लीज, चर्चा सुनी, उसने चर्चा सुनी और जब सुनी तो ऐसा सुनी कि उसको पता चला कि बस कपड़े को छूने की देरी है। और जब कपड़े को छुआ, अभी आप जानते हैं क्या हुआ इस जी 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 इसको आप जानते हैं या खूब प्रचार होता है, अंधे को चंगाई, 38 वर्ष का व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसा मसीहा जिसको चर्चों में प्रचार किया जाता है, इसको देख लीजिए साहब, मेरे पास, मैं माफी चाहता हूं, दूसरा कोई चित्र नहीं है क्योंकि कनेक्टेड करना था। लिखा है प्रचंड दुष्ट आत्मा से छुटकारा, क्योंकि Matthew 8:28 Luke 8:28 onwards और आपके मरकुस के किताब में भी आपको यह बंदा मिल जाएगा जो कि ऐसा शख्स था। कहते हैं कि इसको पूछा गया तेरा नाम क्या है,
उसको पूछा गया तेरा नाम क्या है, ये कहते हैं कि हमारे नाम नहीं है लेकिन हम बहुत हैं और इतने हैं कि ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है कि मोर देन 6,000। बाप रे, और ये सारे के सारे इसके अंदर है। हाँ, वो बहस का विषय है कि झूठ भी तो बोल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं चाहिए 6 हो या 6,000 हो या 6 लाख हो, ये आदमी ताकत रखता है निकालने की। हम इस मसीहा को मानते हैं जो बच्चे गाना गा रहे थे, हम उस मसीहा की आराधना करते हैं जो ये ताकत रखता था। मैं इसको वापस लेकर आऊंगा लेकिन लास्ट में, अभी नहीं। ना प्रश्न उठता है कि उस बेबी क्रिश्चियन, बेबी क्राइस्ट, फिर वो 12 साल का मसीह और वो 3.5 साल का मसीह जो मैं अभी तक आपको बता रहा था, और अब आ रहा है वो चौथा यीशु, जिसको कहते हैं 40 दिन वाला यीशु का प्रचार, क्वेश्चन मार्क है। तो भारत के अंदर, मसीहत के अंदर, आपके कलीसिया के अंदर आप सबसे ज्यादा किसको प्रचार कर रहे हैं और किसकी जरूरत है? पास्टर डेनियल, क्या हम क्रिसमस का प्रचार नहीं करें? बिल्कुल करिए, मेरे शब्द को ध्यान दो, किसको ज्यादा? डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब काहे पूछ रहे हो, आपके पास में दुनिया भर की दवाइयां हैं, इसमें से कुछ भी दे दो। नहीं समझे आप? अगर कुछ भी दे देंगे ना तो जो तुम बीमार हो, एग्जैक्टली, थैंक यू सर, उससे ज्यादा हो जाओगे। तो डॉक्टर पूछता है क्या तकलीफ है, जो तकलीफ है उसी का इलाज होगा। भारत को क्रिसमस वाला यीशु नहीं चाहिए, ध्यान से सुनो, भारत को आपके चमत्कार वाला यीशु नहीं चाहिए, भारत को वो 12 साल से लेकर 30 साल तक 18 साल कहां थे वो नहीं चाहिए, भारत को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत को, विश्व को, आपको, आपके प्रयागराज को, मुर्दों से जो जी उठा वो मसीहा चाहिए, वो मसीहा चाहिए। बहुत तकलीफ से ये स्टेटमेंट आपके गले से उतरना मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि जो पहली बार होती है वो थोड़ी तकलीफ देती है, लेकिन आदत डाली है क्योंकि इसी मसीहा को प्रचार करना है। पास्टर डेनियल, क्या आप चमत्कार का प्रचार नहीं करते? आपको शायद नहीं पता है, मैंने कल कहा था ये वो आदमी है जिसने कम से कम 3 महीने लगाए ये प्रचार करने में कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की स्टडी क्या है, कम से कम 3 महीना। ये वही आदमी है जिसने सिर्फ 1 घंटे में पूरी प्रकाशित वाक्य सिखाई है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। ये वही आदमी है जिसने मात्र 1 घंटे में पूरी बाइबल पढ़ाई है। आप नहीं समझ रहे हो? तो मैं सब मानता हूं, मैं सब पर स्टडी देता हूं, लेकिन फिर प्रश्न उठता है, हजीरा मेरा बेटा पानी नहीं पी पा रहा है, पानी है किधर? आंख उठा कर देख, पानी नहीं है, थैंक यू सर, आंख उठा कर देख, हुआ यही है, आंख उठा कर देख, पत्थर तो कब का उल्टा हुआ है। कुछ चीजें हैं, अगर आपने उसको पेश नहीं किया तो अय्यूब के दोस्त जिसका नाम है एलीपज, उसके जैसे आप पर परमेश्वर कहता है क्या पेश कर रहे हो, मुझे कैसे पेश कर रहे हो, मुझे सेंटा क्लॉस के पीछे क्यों छुपा के रखा है, मुझे हरे पेड़ के पीछे क्यों छुपा के रखा है, मुझे स्टार के पीछे क्यों छुपा के रखा है? स्टार आ गया बाइबल के अंदर तो इतना फेमस है कि यीशु पीछे रह गया, तो ऊपर से परमेश्वर पूछता है कि फिर मैं कहां हूं, मैं कहा हूं? नाम मेरा लेते हो, वचन मेरा पढ़ते हो, बातें मेरी करते हो, सब कुछ मेरा दे रहा, मैं दे रहा हूं, ताकत मैं दे रहा हूं, उद्धार मैं दे रहा हूं, सेल्वेशन मैं दे रहा हूं, और किसी और को महिमा मिल रही है, और बाइबल साफ कहती है मैं अपनी महिमा किसी को दिया करो दूसरे को नहीं देता। अब मेरे साथ में या तो प्रश्न उठता है कि ये 40 दिन वाला यीशु आपके चर्चों में कितना प्रचार किया जाता है, आपके शहर में कितना प्रचार किया जाता है? तो मैं चाहता हूं कि इस यीशु को आप कितना जानते हैं। ओके, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डेनियल आपने 3-3 चित्र क्यों लगाया? मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको मैसेज मिल जाए कि मसीहा कनेक्ट करने के लिए फोटो सकता हूं, कि मसीहा, इस मसीहा को मुझे पेश करना था, और जो पिक्चर्स मुझे मिलते हैं जो हाई रेजोल्यूशन के, ताकि आप उन्हें क्लैरिटी में ला सकता हूं उसके चलते, क्योंकि यीशु एक ही है, 3 नहीं है, कोई बात नहीं। इस यीशु को आप कितना जानते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है? आपको कुछ कुछ शॉकिंग न्यूज देता हूं आज, या मुंबई की भाषा में झटके देता हूं, बैठिए बर्दाश्त करिए, आपको मजा आएगा। तो इस यीशु को आप कितना जानते हैं? दूसरा, आपका चर्च इस यीशु को कितना जानता है? आपका चर्च इस यीशु को कितना जानता है? आपका चर्च जानता है कि 5 रोटी से 5,000 की भीड़ को खाना खिलाया,
आपका चर्च जानता है कि 12 साल से लहू बहने वाली औरत को रूप को चंगा किया, आपका चर्च जानता है कि लाजर को जिंदा किया, लेकिन क्या आपका चर्च ये जो जी उठा है और वो 40 दिन के मैसेज, वो 40 दिन के राज्य का सुसमाचार, उसको आपका चर्च कितना जानता है? और फिर कहूंगा कि कैसे पढ़ते हो और कौन कैसे पढ़ाता है। थैंक यू बेटा। कैसे पढ़ते हो, कौन कैसा पढ़ाता है? इस मन से, इस बात को रखते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इतनी तादाद में आप लोग आज इस सत्य को जान पाओगे कि बात तो सही है कि पतरस ने किसी को नहीं पेश किया, उसने इस मसीहा को पेश किया। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपके प्रेरितों की किताब से प्रकाशित वाक्य तक में पौलुस को पढ़ लीजिए, इसी को प्रचार किया। पहला ग्रंथ 1:23 नहीं पढ़ना, लिखा है हम तो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। मैं फिर कहता हूं, डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे क्रिसमस से कोई परहेज नहीं है, पर वो हाईलाइट क्यों हो रहा है? आपके सेंटा क्लॉस, आपका क्रिसमस ट्री, आपका ये वो, और ना ही यीशु के किसी चमत्कार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद प्रचार किया है यीशु के 36 मिरेकल्स, एक एक मिरेकल्स पे मैंने प्रचार किया हुआ। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि ये कहां है आज? अगर इस मसीहा को जान गए होते, बहुत ध्यान से सुनना, तो आज हम लोग 3 तक आके माइनॉरिटी में नहीं होते। आगे आप लोग समझदार हैं, आपका भारत इस यीशु को कितना जानता है? मेरा क्वेश्चन है, इस भारत को, आपका जो हमारा भारत है, इस यीशु को कितना जानता है? क्वेश्चन मार्क है। अगर जाना होता तो इसकी ताकत को जाना होता। पौलुस ने यूं ही नहीं कहा ना कि सुसमाचार मेरे लिए, बोल दीजिए सामर्थ्य, यूं ही नहीं कहा उसने। जो लोग शहीद हो गए ना, वो इसी मसीहा के लिए शहीद हो गए। ये सुन लो, पत्थर से मारे गए, आरी से चीरे गए, जिंदा जला दिए गए, इसी मसीहा का प्रचार करते हुए। यस और नो? इसको हाईलाइट किया है, चमत्कार को, कम ऑन, चमत्कार को हाईलाइट नहीं किया है, चमत्कार थे। सुनो, योद्धा की किताब उसका 20:25 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि यीशु ने इतने चमत्कार किए, अगर एक एक करके लिखे जाते तो जगत में ना समाते। फिर आगे लिखता है कि बस उतना ही लिखा है कि तुम विश्वास करो। मेरा क्वेश्चन है, वहां खुद यीशु ने कहा बस हो गया 12 साल वाली, ठीक है लाजर को रखो, अच्छा इसको रखो, अच्छा उसको रखो, बस बाकी मत रखो, बाकी एंट्री मत करो, यीशु खुद कहता था। तो फिर पेश किसको करें? मुझे पेश करो, मेरे क्रूसिफिकेशन को पेश करो, मेरे पुनरुत्थान को पेश करो। इस, come on, get ready, इस बलिदान से तुमको क्या मिल सकता है उसको पेश करो। यीशु आशीष देता है 100%, यीशु चढ़ाई देता है 100%, यीशु छुटकारा देता है 100% की बात, इसमें कोई बोल रही है। लेकिन वो मैसेज कहां है कि यीशु पाप क्षमा करता है, यीशु जिंदगी बदलता है, यीशु तुमको स्वर्ग पहुंचाता है, और अगर पाप से छूटकर बाहर नहीं आए तो तुम अनंत काल के लिए नरक जाओगे, इसी ने कहा है। ये मैसेज क्यों आता है? शुक्रिया कुछ लोग जो समझ रहे हैं। मैं आगे आगे आऊंगा और मुझे रस्सी की जरूरत पड़ेगी, और रस्सी आसपास में है, रस्सी से कोई दूसरा मतलब नहीं है, बस कुछ करवाऊंगा। जो हलचल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख लीजिए कहीं बैठ जाए। आज बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, आशीष की दुकान अलग चल रही है, चमत्कार की दुकान अलग चल रही है, तेल की दुकान अलग चल रही है, कपड़े की दुकान अलग चल रही है। अभी जिसको समझ में आ रहा है समझ जाइए। और मुझे गुस्सा और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि जो ये लड़का है जिसको अभी हमने पैदा किया 13 साल पहले, मैं इस लड़के को कौन सा मसीहा पेश करूं, ये मेरे लिए चैलेंज हो गया। आप नहीं समझे अभी? आपका शहर जब कभी उठार पाएगा वो कौन से मसीहा को स्वीकार करेगा, ये आज बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि लोग चर्च में आ रहे हैं, पता है कैसे आ रहे हैं? ओ आपका वाला भी बहुत अच्छा है, आपका वाला भी, मतलब मेरा वाला भी, आप नहीं समझे अभी, आपका वाला भी, मेरा वाला भी, आपका यीशु आशीष बहुत देता है, कितना महान है वो आशीष देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी चाहता है, ये जरूरी है, वो तुम्हारे पाप क्षमा करना चाहता है, शुक्रिया, ये जरूरी है, वो आपकी जिंदगी को बदल के रखना चाहता है, ये जरूरी है। बहुत साफ है, पौलुस कहता है इनके बीच से निकलो। जो सदरते छठवाते हैं वचन 13:15-16-17 से आगे पढ़ लीजिएगा, अभी भी बात है, इनके बीच से निकलो तब परमेश्वर तुम्हें छूएगा, इनके बीच से निकलो तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करेगा, तब जाकर तुम उसके बेटा और बेटी बनोगे।
मुझे दो लड़के चाहिए, कोई आ सकते हैं प्लीज दो लड़के? कम बेटा और एक लड़का आ जाओ, और एक कोई आ जाओ, और मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। कम, आप दोनों भाई भाई हैं, वेरी नाइस। कम, थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाओ। आप मुझे चाहिए, पहले इसको ले लेते हैं। एक वचन है साहब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक वचन है योना 1:12, कहता है कि जितने यीशु पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, वो परमेश्वर की संतान, बेटा और बेटी, ये कहा लिखा है 1:12, ये खुश, ये खुश, बोला वाओ, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी, ये भी परमेश्वर का बेटा है, ये भी परमेश्वर का बेटा, खुश, ये भी परमेश्वर का बेटा। अब प्रश्न होता है ये कौन है? ये रोमियो 8:14 वाला है। रोमियो 8:14 पता है क्या लिखा है? जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के बेटा बेटी। तो फिर इसका क्या कर रहे हैं, फिर इसका क्या कर रहे हैं? तो इसका ये है कि भाई साहब, आपकी तो सिर्फ अभी एंट्री हुई है, आपका तो अभी इस कॉलेज स्कूल में एडमिशन हुआ है, आपको बहुत आगे जाना है, तुम तो पहले ही सीढ़ी में अटकते हैं। कहीं आप भी तो खुश होकर नहीं बैठ गए ना, मैं तो बेटा हूं, मैं तो बेटी हूं, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12 सिक्का का एक पहलू है, तो रोमियो 8:14 सिक्का का दूसरा पहलू है, बिकॉज एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, हर सिक्के के दो पहलू हैं। आप यहीं पे अटक गए, आपको बता बेटा हूं बेटी हूं, फिर इसका क्या करें जो आत्मा के अनुसार चलता है? सुनो सुनो सुनो, क्या करो, नाराज हो ना, जनरल बात कर रहा हूं, और ये जिसका भी बच्चा है ये मेरा भी बच्चा है, मतलब हाँ। ये ऐसा लड़का है, ये ऐसा मसीह है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, नशा करता है, सब कुछ करता है, कहता है यूहन्ना 1:12, हे बेटा तू नहीं, यूहन्ना 1:12, और इसको कहता है कुछ भी हो जाए, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये नया नाटक चालू है आजकल, एक बार बच गए तो हमेशा के लिए बच गए। बोला बीच में क्या करे? बोला जो चाहो करो। अच्छा, मेरा हाथ देखो, अनुग्रह इतना सस्ता नहीं है कि तुम परमेश्वर को ही सस्ता समझने लगो। मुझे किसी ने कहा कि पास्टर डैनियल आपको नहीं पता ये शून्य अनुग्रह है, अनुग्रह है, अनुग्रह है, ग्रेस 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 ग्रेस। मैंने बोले जरा बाइबल को ठीक से पढ़ा, वहां लिखा है कि मूसा ने व्यवस्था लाया लेकिन यीशु ने अनुग्रह और सच्चाई लाया। आपको चटनी चाहिए ना, चटनी, सांभर चटनी, पहला डोसा तो ऑर्डर करो, आपने इधर डोसा ही ऑर्डर नहीं किया है और आपको चटनी सांभर चाहिए, तो चटनी सांभर तब आती है जब डोसा आता है। पीछे वाला बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, अब आप पता लगा लो कि कहाँ जा रहा है। डोसा नहीं चाहिए, चटनी सांभर चाहिए, तो परमेश्वर कहता है बेटा सच्चाई पहले चाहिए, उसके बाद अनुग्रह आता है। जब तक तुम सत्य पे नहीं चलोगे अनुग्रह काम नहीं करेगा। अनुग्रह देता कौन है, बचाता कौन है, आशीष देता कौन है? कल भी बोला था आंखें खुल गए प्रभु धन्यवाद, बोलता है खुली क्यों, ये तो पता लगा, जिंदा रखा है, मैं गाड़ी से जा रहा था मुझे बचा लिया, बोला वेरी गुड बचा लिया, लेकिन बचा क्यों लिया वो तो पता लगा, कैसा लग रहा है। तो एक ही होंगे लेके मत चलो, उसके बाद में दूसरा भी है, रोमियो 8:14 कहता है कि आत्मा से चलने वाले ही परमेश्वर के साथ आए। दोनों के बैठ, दोनों बैठ जाओ और दोनों के ताली बजाओ, क्योंकि वापस आना पड़ेगा शायद। कैसा लग रहा है? या तो इस मसीहा को क्या भारत जानता है? ये जो व्यक्ति है ये मास्टर ट्रेनर है ग्रेट कमीशन कॉन्फ्रेंस का। मैंने कल कहा था, सुबह भी कहा था, आज मैं फिर कहता हूं, मात्र 5 साल में 2014 से लेकर 2000 तक, बीच में वायरस आ गया जिसके चलते हम रुक गए, हालांकि वो सिलसिला भी हम और भी जारी कर रहे हैं बट ऑनलाइन कर रहे हैं। 30,000 से 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन किया है और उनको यही कहा है कि इस मसीहा को पेश करो, इस यीशु को पेश करो जिसकी जरूरत हर इंसान को है, जिसकी जरूरत हर इंसान को है। मैं रखूंगा आपके बीच में। नाउ प्रश्न उठता है, जिस मसीहा को आपने क्रूस पर से मरकर 3 दिन के बाद कब्र से जी उठने के बाद, मुझे देखिए, जी उठने के बाद, और जब वो जी उठा तो वो कौन था जिसको कहते हैं कि जो अब यहूदा का सिंह बन चुका है,
प्रकाशित वाक्य उसका पांच का पांच कहता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तब उन प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह मसीह। जब यीशु चलते थे सारे तीन साल, मेरी मदद करिए प्लीज, जब यीशु चलते थे सारे तीन साल तो लोग क्या कहते थे, कौन जा रहा है? मेमना। यहूदा को पूछा, आप किसकी गवाही दे रहे हैं? मेमना। क्रूस पे किसको मारा? स्पीक। मेमना। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट, जब कब्र को फाड़ कर जो निकला वो मेमना नहीं था, वो पापर शेर था। और जिसके चलते, आपको थोड़ा सा झटका दे देते हैं, जिसके चलते जब यीशु दिखाई दे, मैं रखूंगा अभी, नहीं पहचाना। वो औरत जिसके अंदर से सात दुष्टात्मा निकाली थी, वो जिसका नाम है मैरी मैग्दलीनी, उस औरत ने तक मसीहा को नहीं पहचाना, मालिक को माली समझ बैठी। अगे आप समझदार हैं, मालिक को माली समझ बैठी। पतरस जैसा आदमी जिसको कहते हैं कि भाई साहब आप बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत आगे हैं, ऐसा आदमी कहता है मैं विश्वास नहीं करता, और उसने शक किया कैसे हो सकता है। उसके ठीक बगल में एक और आदमी जो ठीक आठ दिन के बाद यीशु से मिला था आफ्टर द रिजरेक्शन, जिसका नाम है थोमा, कहता है जब तक उंगली नहीं डालूंगा, जब तक हाथ नहीं डालूंगा, जब तक देख नहीं लूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। इमाउस के रास्ते में दो लोग बातें कर रहे हैं, नहीं पहचाने। कहां से पहचानेंगे? साढ़े तीन साल वाला जो घूम रहा था वो मेमना था, जो जी उठा है वो बाबा शेर है। चलते चलिए इसको नहीं पहचाने तो फिर क्या पहचाने। मैं फिर कहता हूं वो मेमना था, लेकिन अब जिसको मैं बात कर रहा हूं वो बाबा शेर है, वो यहूदा का सिंह है ना। यीशु को 40 दिनों में, अक्सर आप पढ़ोगे, रखूंगा, यीशु ने आखिरी के 40 दिन बिताए सिर्फ और सिर्फ, नीचे पढ़ लीजिए, परमेश्वर के राज्य की बातों को सिखाने में। यस और नो? सिर्फ इसी को यीशु ने बातों को सिखाए, और वो क्या क्या सिखाई है मैं एक एक करके रखता चला जाऊंगा, लेकिन फोकस करिए। लिखा है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। अब जरा नीचे देखिए जिसको मैंने हाईलाइट किया है, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो पत्रस को, बहुत ध्यान से सुनिए, याकूब को, यूहन्ना को, यीशु के 120 जो लास्ट में उसके साथ में थे, उनको क्या कहा कि किसमें फोकस करो? कौन सा वाला? वो बच्चा? नो। वो 12 साल वाला? नो। वो 3.5 साल वाला? नो। ठीक है, वो अच्छा है, अच्छा काम है, इतिहास पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन पेश किसको करना है? जो जी उठा है ना, उस मसीह को पेश करना है। और उसको पेश करते वक्त बातें कौन सी करनी है? 5 रोटी से 5,000 को खिलाए, पता है भाई साहब? हाँ भाई साहब आपको पता, लेकिन अभी क्या करना है? मैं मर रहा हूं, मैं नर्क जा रहा हूं, मुझे वो बता के क्या करना है? 12 साल वाली औरत को ठीक कर दिया, बहुत अच्छी बात है, भैया ताली बजती है यहाँ पे, तो आप नहीं बजाना, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरी जिंदगी बचेगी कैसे। तो लिखा है कि उसने राज्य की बातें की, और वो ऐसी ऐसी बातें की, अगर मैं गलत हूं तो मुझे उतार देना नीचे, राज्य की ऐसी ऐसी बातें की जो उसने 3.5 साल में कभी नहीं की, वो उसने तब की जब वो जिंदा हो गया। मैं रख रहा हूं, आप है मेरे साथ में, उसने नहीं किया। और एक कह देता हूं, पौलुस आया कम से कम 20 से 30 साल के बाद यीशु की मिनिस्ट्री में, जब यीशु मसीह से निकाय कर रहे थे, वो आसपास में था लेकिन यीशु के साथ में नहीं चला हो, लेकिन जब वो यीशु के पास आया Acts 9 में, तो ऐसी जिंदगी बदली, और यीशु ने ऐसा ऐसा बताया जो पत्रस तक को नहीं बताया। ये सुनो, किसने कहा कि पवित्र आत्मा के 9 वरदानों पे? इस पौलुस ने। किसने कहा कि कलीसिया दुल्हन है? इस पौलुस ने। किसने कहा कि हम सब इस तरीके से उठाए जाएंगे? ये बातें होंगी। कि किसने कहा 5 प्रकार की सेविकाई होती है? अपोस्टल, प्रोफेट, एवेंजेलिस्ट, पास्टर, टीचर। किसने कहा? इस पौलुस ने। तो यीशु कहता है मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम उसको बोल दीजिए, किसी को याद है, सह नहीं सकते, यू विल नॉट बेयर इट, सह नहीं सकते। बोला फिर, बोला एक आएगा, वाह, उसका नाम है पवित्र आत्मा, द थर्ड पर्सन ऑफ गॉड, तीसरा व्यक्ति परमेश्वर होगा। इस मसीहा ने राज्य की बातें की है,
मैं चाहता हूं कि सोनम से आप मिलो। उसका नाम है मेरी मैग्डलिन। ओके, लिखा है कि 40 दिन वाली यीशु के प्रचार की शुरुआत शब्द पे ध्यान देना, मेरी मैग्डलिन की, कि यीशु जी लिखा है, याद है किसी को? सबसे पहले, माय गुडनेस क्या करूं, बर्दाश्त करिए, सबसे पहले पत्रस ने नहीं कहा यीशु जी उठा है, ना यूहन्ना ने कहा स्पीक यीशु जी उठा है, यह औरत थी जिसने कहा, किससे? बाहर नहीं, अपने खुद के यीशु के चेलों से कहा कि यीशु जी उठा है। और उसके बाद ये आते हैं बाद में, बोला अच्छा हमको तो नहीं लगता, बोला ठीक है आएगा वो, आएगा वो, जरा लॉजिक देखिएगा साहब। तो इस औरत ने सबसे पहले यीशु का प्रचार किया, लिखा है कि जिसका 18 में योहन्ना 20:18 में लिखा है कि मरियम मग्दलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे बातें की। क्या बात है, उसने मुझसे बात, ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे बातें की, और क्या बातें की होगी, और क्या गजब की बातें की होगी, मैं तुमको बताने आई हूँ। आगे का किस्सा सुनाता हूँ, सब तैयार है? कुछ हुआ साहब, कुछ हुआ, तो मेरी मरियम मग्दलीनी ने को यीशु का दर्शन, जो कि 11-17 तक आपको पढ़ रहा हूं, कि जब उसने छुप कर देखा, जब उसने अंदर कब्र में जाके देखा, तो उसको मसीहा नहीं दिखा। तो यहां से शुरू होता है, आई थिंक वो कपड़ा बीच में आ रहा है, फिर भी पढ़ सकते हैं, ऊपर ऊपर कपड़ा बीच में आ रहा है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं? ओके, लिखा है, एक साथ पढ़ेंगे और सब लोग फोकस करिए। लिखा है कि परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, क्योंकि पत्रस यूहन्ना आए थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो चले गए। तो कहता है कि वो खड़ी रही, वहीं पर रही, और लिखा है कि रोते रोते कब्र की ओर झुककर, कब्र की ओर झुककर, कब्र की ओर कहां गया, कब्र की ओर झुककर वो दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु की लौत यानी कि यीशु की डेड बॉडी पड़ी थी। वचन 13, उन्होंने उसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? वाह, तुझे क्या करो, टाइम थोड़ा सा दिक्कत दे जाएगा। ये औरत थी जिसको कभी नहीं पता था कि यीशु जिंदा हो जाएगा, क्योंकि यीशु ने जितने प्रचार किए ना वो चेलों से किए, यीशु ने जितनी टीचिंग दी वो चेलों को दी, ये औरत को नहीं दी। औरत को पता तक नहीं था कि होता क्या है, आप जी उठोगी, बल्कि ये कुछ कहती है, आइए सुनते हैं, इसकी बातों से पता चलता है। कहती है, कहता है तू क्यों रोती है? उसने उसे कहा, मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। कौन से दिन पूछ रही है, कौन से दिन पूछ रही है? तीसरे दिन। और जबकि यीशु जी उठा है, और आगे आपको पता है कहेंगे ट्रांसलेशन में, कहता है कि जो जीवित है तुम उसको मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे? बट इस औरत को कैसे पता है, इसको कहां से पता चलेगा कि यीशु ने कभी ऐसा भी प्रचार किया था कि मैं जी उठूंगा? वो तो चेलों से किया था, और चेले कहां है? रखूंगा, यहूदियों के डर के मारे दरवाजे को अंदर से बंद करके दुबक कर बैठे हैं। ये औरत थी जिसने हिम्मत दिखाई, और मुझे खुशी है जब मैं किसी लेडी पास्टर को पास्टर का काम करते हुए देखता हूं। मुझे कई लोग कहते हैं कि बाइबल में तो नहीं लिखा है कि औरत पास्टर बने, मैंने कहा ये भी तो नहीं लिखा है कि ना बने, नहीं समझ में आया। जिसको कहा है, शुक्रिया, जिसको समझ में आ गया वो कह रहा होगा, रिस्पॉन्स कर रहा होगा, जिसको लिखा है ना, आपका पहला कुरिन्थियों उसका 14:34-35, आपका पहला तीमोथी उसका 2:11-12-13, वहां पर कॉन्टेक्स्ट में ना पति पत्नी है, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो पति पत्नी है। ये वही पौलुस है जो पहला कुरिन्थियों 11 में कहता है कि औरत प्रार्थना भी कर सकती है, औरत प्रचार भी कर सकती है, बस सर पे दुपट्टा डाल ले या कपड़ा डाल ले। तो अगर पौलुस साहब अगर आज होते तो हम उसको पूछते, सर आप एक बार ऐसे कहते हो, एक बार ऐसे कहते हो, तो उल्टा मेरे को बोलता है, पागल ठीक से पढ़। मैंने औरत को नहीं बोला, मैंने किसी की पत्नी को बोला चुप कर, क्योंकि पत्नियां बहुत बात कर लेती हैं, आने जाते कितने कुरिन्थियों की कलीसिया, आप तो हिस्ट्री जानते हैं सर, यू अंडरस्टैंड, औरत का फोन है नहीं वो गाना भी लेगी आ रही थी ना, अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता, नहीं तो मेरा ट्रैक चला जाएगा। इस औरत ने ऐसी हिम्मत दिखाई, लिखा ये कहकर वो पीछे फिरी। वाह, मसीहा की एंट्री हो रही है गैलरी। जैसे ही स्वर्गदूतों ने अपना स्टेटमेंट कंप्लीट किया, वो लिखता है कि वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देख और यहां पहचाना कि ये यीशु है, नहीं पहचाना, बल्कि क्या कहती है, यीशु ने उसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? क्या बात है, नहीं ऊपर भी स्वर्गदूत पूछ रहे क्यों रोती है, यीशु भी पूछ रहे क्यों रोते हैं, मैं भी आपको पूछूंगा, जब तुमको जिंदा मसीहा मिल गया है तो अपनी बातों पर रोते क्यों हो, मुसीबत पे रोते क्यों हो, अपनी तकलीफ पे रोते क्यों हो, क्योंकि तुमको जो पेश
किया गया है ना वो क्रिसमस का बेबी पेश किया गया है, आपको जो पेश किया गया है ना वो 12 से 18 साल तक का यीशु पेश किया गया है, 3.5 साल वाला जो चमत्कार करता है वो पेश किया गया है। एक बार इससे मुलाकात कर लो, ये बंपर शेर बन चुका है, तुम्हारी मुसीबतों को चुकी में हरा सकता है। मेरे साथ इससे मुलाकात करो, और हम कर चुके हैं, और यहाँ जितने भी दिग्गज बैठे हैं वो भी जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अमेन। हाथ में अंगूठी नहीं पहनते ताबीज वाला, ना ही हाथ में धागा बांधते हैं किसी जादू टोना वाला, ना ही गले में कुछ लटका कर घूमते हैं। मेरी पत्नी कभी कभी पूछती है, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी कभी कभी पूछती है तुम अकेले जाते हो, खैर अभी तो बच्चा साथ में, तुम अकेले जाते हो, आपको आप होटलों में रहते हो, आपको डर नहीं लगता? मैं उसको फिर कहता हूँ, जब तेरे को झेल सकता हूँ तो कमरे की दुस्ता तुम्हारी क्या चीज है, ये दुष्टा तुम्हारी क्या चीज है, मैं तो इसको ऐसे ही झेल सकता हूँ जब तेरे को झेल सकता हूँ। अभी बाकी लोग ये डायलॉग अपनी पत्नी पे इल्जाम आ रहे हैं, क्योंकि मेरी वाली समझती है इसलिए अभी तक हम साथ में, और हमको भी कुछ 27 साल हो गए साहब। आप मेरे साथ में, हम ऐसा किसी चीज से नहीं करते क्योंकि हमारी मुलाकात उस मसीहा से हो गई है जो सेंटा क्लॉस के पीछे नहीं छुपता, वो बनाता है चीजों को, ऐसा मसीहा से मुलाकात हो गई। आप मेरे साथ में, कुछ लोग कहते हैं कंपन जादू कर देंगे, कुछ कुछ लोग उठकर धरे, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, बट फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि कंपन जादू कर देंगे। बेटा करके दिखा, यू अंडरस्टैंड, करके दिखा, बोला तुमको श्राप दे देंगे, बेटा करके दिखा। हम ऐसे वैसे को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम ऐसे को लेकर चल रहे हैं जो ऐसे की तैसी कर सकता है। समझ जाइए बात को, यू अंडरस्टैंड। तो इस मसीहा ने कहा क्यों रोती है, किसको ढूंढती है, ऑन द डे थर्ड किसको ढूंढती है, उसने माली समझ कर, पढ़ रहे हैं आप लोग, माली समझ कर कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे से कह कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मतलब तेरे अंदर इतनी ताकत है मरियम कि तू यीशु को उठा सकती है। सुनो, इतना प्यार करती थी ना वो कि कहती कि यस, मैं उसकी डेड बॉडी को उठा ले जाऊंगी, मुझे यीशु से इतना प्यार है। बोला क्यों इतना प्यार है, बोला मेरे अंदर जो 7 दुष्टात्मा थी जो मुझे परेशान करती थी, इसी आदमी ने मुझे ठीक किया है, मैं उसकी डेड बॉडी को उठा सकती हूँ। एक आदमी नहीं उठा सकता, और औरत कहती है कि मैं उसको उठा लूंगी, क्या गजब का जज्बा है। यीशु कहता है कि बेटा जिसको मैंने उठाया है तो उसको क्या उठाएगी, मैंने तो सबको उठा के रखा हुआ, तू मेरे को उठाएगी। आइए सुनते क्या लिखा है। कहता है यीशु ने उसे कहा, मरियम, पहले क्या कहा, हे नारी, अब क्या कह रहा है, मरियम। तो जैसे ही उसने कहा मरियम, जरा शब्द पे ध्यान देना, उसने पीछे फिर कर उसे इब्रानी में कहा रबूनी, इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, जो प्रभु से प्यार करते हैं वो प्रभु की आवाज को पहचानते हैं, जिससे प्रभु प्यार करता है वो आदमी प्रभु की आवाज को पहचानते हैं। यही तो कनेक्शन दिख रहा है कि जैसे ही कहा मरियम, मरियम कहती ओ हो, आप माली नहीं हो, आप तो मालिक हो, यहां तालियां चाहिए प्रभु के लिए। तो जैसे उसने कहा रबुनी, और रबुनी का मतलब है माय टीचर, मेरा गुरु, और उसको मिल गया गुरु, और ये हो गई, आगे बोल दो शुरू, और ऐसी शुरू हुई। चित्र देखिए, उसने कहा कि बस जैसे मैंने आपके पैर को छुआ था, अपने बालों से आपके पैर को साफ किया था, आपको आराधना दी थी, आपको वर्षित दी थी, मैं आपको फिर से छूना चाहती हूँ। आपको पता है इसकी दुनिया पलट गई अचानक से, कहती है कि डेड बॉडी को ढूंढ रही थी तो जिसको ढूंढ रही थी वही साक्षात्कार, इसका माथा खराब हो गया, बोले हो कैसे सकता है, आप जिंदा है, मैं तो सोची थी कि आपकी डेड बॉडी को ले जाऊंगी, माथा खराब। और कहती है कि जैसी छूने गई, जैसी आगे बढ़ी, यीशु ने कहा, पढ़िए प्लीज, मुझे मत छू, क्यों, नीचे लिखा है, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। अब यहां से एक लेवल ऊपर जाने वाला, आर यू रेडी फॉर दिस, एक लेवल ऊपर जाने वाला, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, ऐसे कम से कम 10-20 बार तो बोल ही दूंगा। लिखा है कि उसने कहा मुझे मत छू, डोंट टच मी, मुझे मत छू, हाथ देख लीजिए, मुझे मत छू, मैं ऊपर नहीं गया, क्यों, मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में जब परमेश्वर का सिस्टम था टबरनेकल का, तो वहां जो हाई प्रीस्ट होता था वो किसी जानवर का खून ले जाता था, और जब वो ले जाता था तो उसको कोई नहीं छूता था,
कहां अति पवित्रता में, होलियोपोलिस में। तो यीशु कहता है क्योंकि मुझे लॉ खत्म करना है, मुझे लॉ फिनिश करना है, मुझे कानून को, व्यवस्था को, माफ करें, उसको फिनिश करना है। और ये आखिरी बात है जो मैं किसी बकरी का, मुर्गी का, बछड़े का, किसी का नहीं, किसी इंसान का नहीं, बल्कि खुद का लहू लेकर जाकर उसको दिखाऊंगा, मैं रखूंगा। या शुक्रिया, मैं उसको रखूंगा। तो जिसके चलते छूते नहीं है, जिसके चलते छूते नहीं है, बोला ओ, फिर क्या करो? आइए सुनते हैं फिर क्या करना है। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, शब्द पे ध्यान देना, तुम्हारे पिता, फिर कहता है अपने परमेश्वर, पढ़िएगा प्लीज, तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मेरा क्वेश्चन है, यीशु तीन रात तीन दिन फिर कहां था? एग्जैक्टली। और जिसके चलते मैंने वो डिटेल नहीं रखा है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि यीशु कहां था तीन रात तीन दिन। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि यीशु मसीह ऊपर नहीं गए थे और वो अब जा रहे हैं। और ये वक्त कौन सा है कोई जानता है? जब औरत से बात कर रहे हैं, ये वक्त है सुबह का, मैं रखूंगा। ओके, ना लिखा है, अच्छे तो देख लो, मुझे लगता है ये और फटने का चांसेस है, फिर भी कोशिश करता हूं। लिखा है देखो उसी दिन, ऑन द सेम डे, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वचन 15, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप आकर उनके साथ हो लिया। और आपको पता है अंदर का न्यूज क्या है? इन दोनों ने नहीं पहचाना कि ये महाशय कौन है। ये सुनो, नहीं पहचाना। अब मेरा क्वेश्चन है, मरियम को दिखाई दे, इन दोनों को दिखाई दे, बस ऐसे हाथ करके पूछ लो क्यों, बाकी ठेका मैंने लिया हुआ है बताने का, ऐसे करके पूछ लो क्यों। शुक्रिया। दो या तीन गवाहों पर बात पक्की होती है। यीशु जी उठा है, इसका प्रूफ ओल्ड टेस्टमेंट कहता है कि किसी बात को अगर साबित करना है दो या तीन गवाह होना चाहिए। मैंने भी पूछा, प्रभु आप ये अचानक से इनको क्यों मिल रहे हैं, ऊपर जाके आइए फिर बात करिए। बोला नहीं, गवाह चाहिए। और ये उस वजह से इनसे मुलाकात हुई है। अब आते हैं उसी दिन शाम को। तो लिखा है उसी दिन, आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी दिन सुबह, उसी दिन इमाउस में, और उसी दिन लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, इन द इवनिंग, शाम को लिखा है कि संध्या के समय जब वहां के द्वार, पढ़ लीजिए प्लीज, लिखा है जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। अब डरोगे ना साहब, आपने बच्चे को देखा है तो डरोगे ना साहब, 12 साल के यीशु को देखा है, बोल दीजिए ना, तो डरोगे ना साहब, आपने चमत्कार देखा है 35-36 तो डरोगे ना, बपर शेर को थोड़ी देखा है, बपर शेर को थोड़ी देखा है। अभी तो आपकी मुलाकात होगी, और जब मुलाकात होगी तो यही पत्रस है जो लड़ गया है जब उसने एक आदमी को ठीक किया। बोला परमेश्वर इनकी धमकियों को देख और मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं तेरा वचन का प्रचार करूं। Acts chapter 4 verse 28 onwards. Yes or no? तो कहता है कि यहूदियों के डर के मारे तब यीशु आया, बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। वाह! और ये शांति क्यों मिले, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो कहता है, आप इसको देख लीजिए, कि जहां भोर को और यहां संध्या को, तो यहां सुबह, सब लोग फॉलो कर रहे, और यहां शाम को, तो मतलब दो टाइम है। तो औरत से मिले नहीं छूना, और यहां पर मिले तो शाम को और उनके बीच में। तो फिर प्रश्न उठता है कि सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक यीशु कहां था? कभी फोकस किया? और मैं चाहता हूं कि आज फोकस करें। आप सब लोग ठीक है अभी तक? यीशु कहां थे? आप यहां थे, आप यहां थे। लिखा है त्रिएक परमेश्वर की बैठक। अब आप बोलोगे पास्टर डैनियल ये कहां लिखा है? अच्छा, ऐसा बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप मानकर चलते हैं यीशु ने कहा, बोला कि मैं गॉड हूं एंड मेरी वर्शिप करो, लेकिन आप करते हैं? तो यीशु सुबह नहीं थे जेलों के पास, यीशु थे शाम को जेलों के पास। तो बीच के 6 घंटे, माफ करना, बीच के 12 घंटे आप कहां थे और यहां क्या हो रहा है? त्रिएक परमेश्वर की, बोल दीजिए ना, बैठक। ये बैठक क्यों? दूसरे शब्दों में ये कन्वर्सेशन क्यों?
आइए बताते हैं, मैं चाहता हूं कि ये शब्द को पढ़े, क्या चल रहा था यहां 12 घंटे, क्या चल रहा था। हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर है जिसने एक मकसद के साथ में मसीहा को भेजा, और क्या कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये बात सही है, कहां लिखा है, यूहन्ना 3:16। लेकिन क्या कभी आपने मत्ती का 10वां अध्याय पढ़ा है, जहां यीशु अपने चेलों को कहता है खबरदार अन्य जाति के पास नहीं जाना। ऐसा क्यों? आप कहते हैं जगत से प्यार करते हो, फिर मत्ती 10 में कहता है कि अन्य जाति के पास नहीं जाना और केवल वही जाना जिसको कहते हैं इजराइली। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर बैठक नहीं हुई थी, और अन्य जातियों के पास जाने के लिए मसीहा का लहू बहुत जरूरी है। अन्य जातियों को पास मसीहा का वचन सुनाने के लिए मसीहा का बलिदान होना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि उसने कहा नहीं जाना। आप मेरे साथ में तो 12 घंटा यहाँ क्या चल रहा था, मैं चाहता हूँ कि ये चित्र देखिए। मेरी पूरी कोशिश थी और पूरी कोशिश आगे भी रहेगी कि मैं आपको जैसे तैसे वर्चुअल से, पिक्चर से, कैसे तैसे आपको कनेक्ट करा सकूं। तो ये विश्व है जिसके लिए मसीहा मरा, ये वो दुनिया है जिसके लिए मसीहा, आगे बोल दीजिए, मरा। ये 790 करोड़ का आपकी आबादी है, 7.9 बिलियन। आज की बात कर रहा हूं, भारत का 100 आगे पार हो गया, वो बात अलग है, 40-45 पता नहीं कितना। ये उन लोगों के लिए एक बैठक थी, कहा कि तेरा सुसमाचार, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सारे संसार को बचाना होगा, राज्य के सुसमाचार को सुनाने के द्वारा, राज्य का सुसमाचार, राज्य के सुसमाचार, तो जिसके चलते पूरी दुनिया को ये संदेश देना होगा, सुसमाचार सुनाना होगा। ये बैठक चल रही थी साहब यहाँ, ये कन्वर्सेशन था यहाँ पर। लहू तो बहा दिया, बलिदान तो हो गया, क्रूस पे मर चुका हूं, कह भी चुका हूं, इट इज फिनिश, बट आगे क्या, इसके आगे क्या करना है, मुझे मत छू। सुबह कहते हैं, अचानक शाम को आते हैं और कहते हैं कि अब बात करते हैं, आगे बढ़ना है, तो फिर प्रश्न उठता है क्या चल रहा था। लिखा है कि पूरे दुनिया को बचाना है और सुसमाचार सुनाना है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या इस मसीहा को जानते हो? क्या इस यीशु की मुलाकात आपसे हो रही है आपके संडे के चर्च में? क्या ऐसे कन्वेंशन स्पीकर्स में जैसे मैं खड़ा हूं, क्या ऐसी बातों को पेश किया जाता है? मुझे नहीं चाहिए, कम ऑन गेट रेडी, और अपने दोनों कान खुले रखो, मुझे नहीं चाहिए वो 50 साल का बुढ़ा जो कहता है बेबी बेबी करके कि मम्मी दूध पिलाओ। आप नहीं समझे अभी, मुझे ऐसे मसीहों को प्रचार नहीं करना है कि उनको वक्त के हिसाब से बोल दीजिए, उनको गुरु हो जाना चाहिए। आज सुबह पास्टर साहब के चर्च में हम प्रचार कर रहे थे, मैंने कहा कि वो एक मंदिर था, जैसे सुबह एक मंदिर में प्रचार कर रहा था, मैंने कहा वहां 3 कैरेक्टर्स थे, वो ध्यान से सुनिएगा, एक कैरेक्टर था एली का, दूसरा कैरेक्टर था उसके बच्चों का, तीसरा कैरेक्टर था सैमुएल का, याद आ गया होगा, एक ही मंदिर में 3 कैरेक्टर, और उनके नाम क्या पता चलता है, एक है सुस्ती में उम्र हो गई, दूसरे बच्चे लेकिन लुच्चे, लिखा है बाइबल में बच्चे लेकिन लुच्चे, वो किसमें, बाप सुस्ती में, बच्चे मस्ती में, खुदा ने भेजा एक लड़के को, उम्र छोटी थी, चुस्ती में। खुदा चाहता है ऐसे लोग जो परमेश्वर के कलाम को इस तरीके से पेश करे। नहीं चाहिए सुस्त वाली कलीसिया, नहीं चाहिए सुस्त वाला सरमन, नहीं चाहिए सुस्ती वाली बाइबल कॉलेज। हमको वो लोग कहाँ हैं जो भारत को इतने सालों में, जबकि सुसमाचार पहुंच चुका है विश्व कई शहरों में, अभी भी इस मसीहा का इंतजार है। तो जिसके चलते सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है ना। दो सबसे बड़ा सवाल वक्त को ध्यान में रखते हुए, पहला क्या है राज्य का सुसमाचार, दूसरा है कौन सुनाएगा सुसमाचार, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन आते हैं यीशु के पास वापस से, कहता है कि यीशु ने फिर उनसे कहा, अब जरा ध्यान सुना, कहता है कि उसने कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने, कम ऑन गेट रेडी, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। ना 19 आइए सर जय प्लीज कम या आप आइए जी जी, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा, ये है, और एक जवान लड़का चाहिए, कोई जवान लड़का आ सकता है जल्दी से कम, ओके आपका बेटा आ गया, वंडरफुल, ओके इसको बनाते हैं पत्रस, और आपको कहते हैं यीशु, जो कि आप कर रहे हैं पहले दिन से, ओके यीशु कहता है कि जैसे सर आप आ सकते हैं, या प्लीज प्लीज
जय श्री पिता ने ताली बजा दीजिए प्रभु के दास। ओके ये है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का बेटे को कि जैसे मैंने तुझे भेजा है वैसे ही मैं तुझे भेजता हूं। यीशु ने माफ करना पिता ने यीशु को कैसे भेजा, पावरलेस या पावरफुल? बेटा कैसे भेजेगा आपको अनुज को, कमजोर बनाकर, मुसीबत बनाकर, हर बात पे शिकायत करने वाला, ये मुसीबत वो मुसीबत, ये चिंता वो चिंता, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और फिर आते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। फिर एक दिन पास्टर खुद कहता है मेरे लिए कर दे, अब मेरे साथ में मुसीबत तो सबसे ज्यादा ये है आज। तो बाप कहता है कि जैसे बेटे को भेजा है पतरस, मैं तुझे भेजता हूं। जिस ताकत से यीशु पृथ्वी पर था उसी ताकत से उसने आपको हमको भेजा, क्या बात है। और यही वजह है इसकी सच्चाई अगर हम नहीं जान पाए फिर प्रश्न उठता है फिर हम कौन से वाले बसे हैं, यूहन्ना एक बारा या फिर रोमियो 8:14। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे बाप ने भेजा वैसे मैं तुझे भेजता, मैं चाहता हूं कि उसको कंटिन्यू करते हैं। लिखा है ये कहकर उसने, ये अच्छा लगा, लिखा है फूका, कर सकते हैं फूका, ये फूक क्यों? हाँ ये बात अलग है कि पीतल के सांप को ईश्वर बना रहे, ये बात अलग है। कौन सा पीतल का सांप? जो मूसा वाला, जबकि दिया था पर्पस के लिए, उसको बना दिया विदाउट पर्पस। तो यीशु ने फूका, और मैं देख रहा हूं कि आजकल बहुत सारे लोग फूक रहे हैं और उस पर फूक रहे हैं जो पहले से फूका हुआ है, उसको फिर कहते भर भर भर, वो पहले से भरा हुआ है। आप लोगों के सामने बॉटलें रखी उसको भर के बताइए, अगर आपकी हिम्मत है। जो बॉटल भरा है उसको फिर से भर के बताइए। जो व्यक्ति आत्मा से भरा है कहते भरो, नीचे गिरो, ठपा 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 ठपा, आपको पता होगा ये सारी बात है। परमेश्वर कहता है कि भाई उसको पहले से भरा है तो और कितना भर रहा है उसको, ये सुनो। अरे नाला समझ में, तो कहता है उसने फूका, क्यों फूका मैं बताऊंगा, क्योंकि एक्ट चैप्टर 2:4 में एक से भी पढ़ लीजिए, लिखा है कि बड़ी जोर की आंधी चली, बड़ी जोर की आंधी चली। वो आंधी क्या थी? वो मसीहा की आंधी थी, वो यीशु फिर से फूक रहा था। लिखा है फूका मैं रखूंगा, उसने कहा पवित्र आत्मा लो, जिस जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनको तुम रखो वो रखे जाएंगे। यहां नहीं लिखा कि जिसपे हाथ रखो वो चंगा हो जाएगा, उसने कहा कि जिसके पाप तुम क्षमा करो वो क्षमा हो जाएंगे। मैसेज कौन सा है, 3.5 साल वाला या जी उठा वाला? आजकल क्या चल रहा है? यीशु प्यार करता है, सच है, कोई डाउट नहीं। यीशु चंगाई देता है, सच है, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर ये प्रार्थना के 15,000 क्यों मांगते हो? इसलिए कहा था कि दुकानें खुली हैं, दुकानें खुली हैं। जिसको कहते हैं लेइंग हैंड्स, मेरे को फोन आते हैं, और आप लोगों को पता है मैं तो खुलेआम फेसबुक के ऊपर एक प्रोग्राम चलाता हूं, पूछो जो भी पूछना है। लोग करते हैं, बातें करते हैं, और ऐसे ऐसे किस्से सुना सकता हूं अगर मैंने अभी कॉल लगा दिया। कहते हैं कि पास्टर प्रार्थना के नाम पर सब ऐसे नहीं है, याद रखो। ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु के लिए त्याग का जीवन जी रहे, मैं उनको सलूट करता हूं। लेकिन इन्हीं के बीच में भीड़ ये बनकर आगे, आप समझदार हैं, भीड़ की खान में बोले पास्टर प्रार्थना करते वक्त मैं पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है हमारे शरीर के साथ, ऐसे कौन सा आते हैं मुझे? बोले आप कुछ कर सकते हैं क्या? बोला आओ फिर बात करते हैं। ऐसी हरकतें हैं। खुदा कहता है जिसके पाप तुम क्षमा करोगे, दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के नाम पर, जीसस क्राइस्ट, क्या पूछा 3,000 है पत्रस, हम क्या करें? पत्रस ने क्या कहा? यीशु पर विश्वास कर, अपना मन फेरा, भूला के नहीं बोला तेरे पाप माफ होंगे, यही तो उसने कहा। कौन सा यीशु पेश किया? 3.5 साल वाला जो चमत्कार करता वो नहीं, मुर्दों में से जो जी उठा उस यीशु को उसने पेश किया। कम ऑन, यस और नो? तो जिसके चलते मसीहा कहता है यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, ये कौन सा वचन है साहब? मत्ती किताब उसका 28 अध्याय, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। लिखा है कि उसके पास आकर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कौन सा अधिकार? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। कहां
कहां चल रही है मीटिंग, जल्दी से पीछे चले जाता हूं, कहां चल रही है ये मीटिंग, ये मीटिंग चल रही है यहां कि जाकर कहो कि अधिकार अब हमारा हो गया, जाकर कहो कि अब पूरा सामर्थ हमारा हो गया, जाकर कहो 600 की अब दंगे की चोट पे तुम मसीहा के जी उठने का प्रचार कर सकते हो। तो जिसके चलते ये बातें यीशु मसीह यहां पर कर रहा है कि कभी नहीं डरना क्योंकि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। कैसा लग रहा है? अब इसको देखे साथ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, इसको देखे लूका की किताब 24:47-51 कहता है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार। ये नहीं लिखा है कि तुम भेल भनी बेचने की दुकान, ये नहीं लिखा है कि तुम जाकर दूसरों को बस है ना। मैंने क्या कहा था सुबह सर कि कुछ लोग आते हैं जो कलीसिया से रोटी खाते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कलीसिया को रोटी खिलाते हैं। तो लिखा है कि उसी के नाम का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। इन सब बातों के गवाह हो तुम, लिखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की मैं उसको तुम पर बोल दीजिए ना। उतारूंगा एक जगह पे कहता फूकूंगा, दूसरी जगह पे कहता उतारूंगा, और जब तक वह स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और तब वह उन्हें बैतनिय्याह तब बाहर ले जाकर अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। उन्हें आशीष देते हुए जरा चित्र देखिए और शब्द देखिए, लिखा है कि उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। कब? After 40 days. क्या मिशन लेके गया? रख रहा हूं। कौन सी बातें लेकर गया? रख रहा हूं। तो लिखा है कि उसने कहा मैं उतारूंगा। अब इस दो बड़े सवालों पर बात, कौन सा क्या है राज्य का सुसमाचार, कौन सुनाएगा सुसमाचार? सबसे पहला राज्य का सुसमाचार, थोड़ा सा जल्दी जरा देख लीजिएगा, लिखा है कि उद्धार यीशु के द्वारा ही होगा। कहां लिखा है? जो अभी आपको पढ़वाया था। उद्धार किसके द्वारा? जोर से प्लीज। सल्वेशन किसके द्वारा? आकाश के नीचे धरती के ऊपर Acts 4:12 लिखा है दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। इसकी जरूरत है भारत को। पास्टर डेनियल, आप इसको इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पौलुस ने किया था, वो मरा यूं ही नहीं, इसी का प्रचार करके मरा हो, पत्रस को उल्टा क्रूस पे इसी प्रचार में लटका। यस नो, कईयों को जिंदा जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया गया इसी प्रचार में। अगर वो तभी नहीं मरे होते सुसमाचार भारत में पहुंचा होता। आज हम रिलैक्स हैं, आज हमारे पास बंगला है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, सुकून की जिंदगी है। ताज्जुब की बात यह है कि चिंता किसी दुनिया के मसीह का प्रचार फैलेगा कैसे? बेटे को डॉक्टर बनाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं, और ना ही मैं कभी बोलूंगा कि मत बनाओ क्योंकि मेरा भी बेटा है। आप उसको साइंटिस्ट बनाओ, इंजीनियर बनाओ, विदेश में भेजो, लेकिन उसको ये भी बताओ कि इसका प्रचारक बनेगा कौन? मसीह में उधार पाए हैं, यीशु का योग धने के कंधे पे छुआ, अगर उसको नहीं लेकर चल रहे तो फिर मसीह बनने का फायदा क्या है? विभाग में बहुत कुछ चेला बनाना मैंडेटरी है। यीशु ने कहा जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। फिर कहता है कि उन दिनों में जब चेले बहुत होते थे, पत्रस की मिनिस्ट्री में मेंबर्स नहीं होते थे, डिसाइपल्स होते थे। आजकल पूछा जाता है आपके चर्च में मेंबर कितने हैं, मेंबरशिप की फॉर्म, मेंबरशिप का ये, मेंबरशिप का वो, उन दिनों में चलता था। कलीसिया में चेले कितने? लिखा है चेलों की संख्या बढ़ी, आज मेंबरों की संख्या बढ़ रही है। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए टाइम को, कुछ सीखोगे आप लोग। लिखा है कि जो उसके पास आते थे, किसके पास? पौलुस के पास में सबसे मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में बना रहता है या स्थिर रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी है। मसीह की शिक्षा मेरा Jesus Christ. मेरा चर्च शहर का नंबर वन चर्च है, मेरी वर्शिप टीम शहर की नंबर वन वर्शिप टीम है, मेरा वर्शिप लीडर क्या गजब का गाता है, मेरा चर्च का पास्टर क्या गजब का प्रचार करता है। मसीहा कहता सब ठीक है लेकिन वेयर इज द डॉक्ट्रिन? वो शिक्षा कहां है जो मसीहा ने दिया था? कौन सुनाएगा सुसमाचार? लिखा है जातियों के लोग, मराठी वाला आंध्रा में नहीं जा सकता, आंध्रा वाला बोल दीजिए ना मराठी को नहीं बता सकता, मराठी वाला मराठी को बताएगा, आंध्रा वाला आंध्रा को बताएगा। लेकिन यहां चल क्या रहा है? वन मैन शो। यीशु कहता है जातियों में जाकर सुसमाचार सुनाओ, जिसके लक्षण पे लिखा है जातियों के लोगों को चेला बनाओ। छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करने की इच्छा हो रही है लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। लड़का लड़का को सुसमाचार सुनाएगा, लड़की लड़की को सुसमाचार सुनाएगा, जो सुसमाचार सुनाएगा वही तो लिखा है कि बपतिस्मा देगा।
मुझे पास्टर्स बपतिस्मा दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास्टर खुद कहता है मैं कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं, इसकी बंगाली मुझे नहीं आती। तो जिसको बंगाली आती है वो बंगाली वाला जाएगा, जिसको पंजाबी आती है वो पंजाबी वाला जाएगा, जिसको जिसको जो लैंग्वेज आती है वो उसमें जाएगा। क्यों रख रहा हूं? लिखा है प्रकाशित वाक्य 5:9 में, और ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक की लेने उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर कहा क्रूस के ऊपर। लिखा है कि हर कुल भाषा लोग, और लिखा है जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया, ट्राइब लैंग्वेज पीपल नेशन। आप कैसे सुसमाचार पाए आप ही की भाषा में, कोई आया था इसलिए ना, दूसरे कैसे सुसमाचार सुनाएंगे उनकी भाषा में, जाएंगे तो ना। लेकिन यहां क्या चल रहा है बोल दीजिएगा, वन मैन शो, मैं ही करूंगा मैं ही लिखूंगा। शुरुआत कहां से हुई थी? यहां से हुई थी। यीशु जी उठा पास जी, यीशु जब जी उठा 40 दिन में, तो मिलने जाते हैं पतरस को, ये जो बीच में बैठे ना पतरस भाई साहब है, यीशु जाते हैं, बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, यीशु जाते हैं और एक ही बात पूछते हैं, पीटर विल यू फीड माय शीप, पतरस मेरे भेड़ों को खिलाएगा, पतरस मेरे भेड़ों को खाना खिलाएगा। पतरस को इतनी मछली पकड़कर थी कि उसके सपने में नहीं सोच सकता था, यहां डाली थी जल नहीं मिल रही थी, याद आ गया होगा, बोला यहां डाल मिलेगी, कितनी थी 153 क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वही उतना ही था, और वो भी छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी। पतरस क्या इन सबसे प्यार करता है? मछली पकड़ने फिर चला गया, मैंने तुझे बोला था ना कि तू ऐसा नहीं मछली की तरह मनुष्य को पकड़ेगा। विल यू फीड माई शीप, ये बोलते वक्त में यीशु का दिल आपको देख रहा था, ये बोलते वक्त में यीशु भारत को देख रहा होगा, ये बोलते वक्त में यीशु उस वक्त के शहरों को देख रहा होगा। क्या डैनियल तू जाएगा? 93 में पूछा, यहां जितने बैठे हैं प्रभु के दास, आपको भी पूछा होगा क्या तुम जाओगे? थैंक यू सर, क्या तुम जाओगे? विल यू फीड माई शीप? जब नाम नहीं था आपका, आई एम नॉट टॉकिंग एनीबडी, किसी की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनल। जब आपका नाम नहीं था आपके आंसू गिरते थे, आप जब पास्टर बिशप रेवरेंड अपोस्टल नहीं थे, आपको जब यहां पे मंच में बिठाया नहीं जाता था, आपके कंधे पे शॉल नहीं ओढ़ा जाता था, आप नीचे चुपचाप कुर्सी पे बैठते थे, तो आप कहते थे कि प्रभु सेवा दे सेवा दे सेवा दे, प्रभु आप काम दे शहर दे। आज आपके पास सब कुछ आ गया साहब, फिर वही प्रभु पूछ रहा है, विल यू फीड माई शीप, विल यू फीड माई शीप। आपको नहीं लगता है कि ये कन्वेंशन आपसे कुछ बात कर रहा है? आपको नहीं लगता है कि आपको परमेश्वर आपकी असली जगह दिखा रहा है? और परमेश्वर पूछ रहा है, पूरा भारत आज सत्य की तलाश में, पता है क्यों? यीशु का साफ कहना है, सब ठीक है, यीशु साफ कहता है अगर तुम चुप हो गए। आपको नहीं लगता है आजकल पत्थर कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? वजह क्या है? मैं आपके स्टेटमेंट को याद रखूंगा, वजह क्या है? वजह यह है कि हम चुप हो गए, कहीं तो तुपक कर बैठ गए दरवाजा बंद करके। परमेश्वर को एक सेकंड नहीं लगेगा कोरोना वायरस से भी भयंकर चीज को लाने में, एक सेकंड नहीं लगेगा, जमीन फिर हिल जाएगा, दरवाजे फिर बंद होंगे, आपके शॉपिंग मॉल थिएटर्स और आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुकानें फिर बंद होंगे, सड़क पे लोग फिर नहीं दिखेंगे, सब सुना। वो दिन आ सकता है, एक छक्का लाकर दिया है, और आपको खुद को पता है कि कितने लोगों की मौतें हुई हैं, क्या इसे हम नहीं सीख सकते? परमेश्वर पूछ रहा है, विल यू फीड माय शीप? फर्स्ट सेंचुरी के प्रचारकों ने किस यीशु को ज्यादा प्रचार किया था? अब इसको देखिए, 21st सेंचुरी के प्रचारकों ने अपने आप अपने अपने प्रचार का विषय क्या बनाया हुआ है? क्वेश्चन मार्क। पत्रस क्या प्रचार करता था साहब, जहां 3,000 उतार पाते थे? पौलुस क्या प्रचार करता था? मैं कम से कम आपके क्या कहते हैं 4 किताबों को छोड़ दो, कम से कम 23 किताबों में मैं ढूंढ रहा हूं कि पत्रस ने कब कहा आफ्टर द रिजरेक्शन कि तुम सब सुनो यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, मैं ढूंढ रहा हूं नहीं मिल रहा है। कहां लिखा है कि उसने 5,000 को खाना खिलाया? पत्रस स्टेटमेंट दे रहा है,
नहीं लिखा, वो सही है कि लाजर को जिंदा किया, सही है 5,000 की भीड़ को खिलाया, लेकिन राज्य का प्रचार कहां है? वो मैसेज कहां है जो 40 दिन वाले यीशु ने आपको और मुझको दिया? वो मैसेज कहां है? मैं इसकी बात करता हूं। आज सबकी दुकानें खुली हुई है, मैंने रस्सी मंगाया था, पता नहीं क्या करूं, बट वो वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। पहले सदी के प्रचारक, 21वीं सदी के प्रचारक, वहां से शुरू हुआ था मसीह सिलसिला, यहां पहुंचते पहुंचते बीच वालों ने गड़बड़ करी, और ये बीच वाले ठीक नहीं होते साधु, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। वहां से चला था ईमानदारी से, ऐसा सोच लो रस्सी रखा हूं, वहां से चला था ईमानदारी से। पत्रस, माय गुडनेस, पत्रस प्रचार करता था लेकिन लोगों को लूटता नहीं था। पौलुस प्रचार करता था लेकिन लोगों को लूटता नहीं था। वो पुलपिट से प्रचार करता होगा लेकिन लोगों को नहीं कहता था कि मुझे देखो, वो कहता था कि उसे देखो। आज क्या चल रहा है साहब? आपको पता है वहां वाले प्रचारक और यहां वाले प्रचारक, पानी की तरह आप साफ साफ पता लगा लोगे कि वहां क्या हो रहा था, यहां क्या हो रहा है। अल्फिन सर, You understand? क्या चल रहा है इस तरीके से? अब इसको देखिए, जैसे डिनोमिनेशन वैसा प्रचार हो रहा है। बाइबल एक ही है, एक प्रश्न पूछ सकता हूं, पर आज वैसे भी लास्ट दिन है, कल की टिकट रेडी है मेरे पास। एक बात पूछ सकते हैं, क्या आपकी बाइबल बैप्टिस्ट है? स्पीक नो। क्या आपकी बाइबल मेथोडिस्ट है? क्या आपकी बाइबल कैथलिक है? क्या आपकी बाइबल सेनाई है? क्या आपकी बाइबल पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक है? नहीं, नेवर। बाइबल तभी, अभी और आगे भी। यीशु बदल जाता है क्या मैथ्यूज के पास जाके? कम ऑन, यीशु बदल जाता है क्या सेनाई के पास जाकर? यीशु बदल जाता है क्या बैप्टिस्ट के पास जाकर, पेंटिकोस्टल और कैरिस्मेटिक? यीशु यीशु है। ये सब कब आए साहब? आपको जरूरत थी एक 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 कम्युनिटी में आपको एक नाम देना होता है, भारत सरकार को बताना होता है, जिसके चलते आपका डिनोमिनेशन बना। बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो घूमते रहता हूं इनके बीच में। मेरा क्वेश्चन यही है कि डिनोमिनेशन 50 तैयार करो, मैसेज क्यों चेंज हो रहा है? स्पीक, मैसेज क्यों चेंज हो रहा है? मैसेज रखो ना वही जो मसीहा ने प्रचार किया। गलत हो तो अगले साल भी बुलाना। जैसा प्रचारक वैसा प्रचार, जैसे प्रचारक वैसा प्रचार। बोला ये ग्रेस वाला प्रचारक है तो ग्रेस की बात करूंगा, ये चमत्कार वाला प्रचारक है तो ये सिर्फ चमत्कार करेगा। ए भाई, मुझे कुछ लोग पूछते हैं बासुदी, कहते हैं कि बासुदी डेनियल आप पावर टाइप की मिनिस्ट्री नहीं करते, ऐसा जो पावर टाइप होता है ना, अनॉइंटेड टाइप होता है। बेटा, इस हाथ ने 5 मुर्दे जिंदा किए 29 साल में, 5 मुर्दे जिंदा किए इस आदमी ने। मैं ढिंढोरा नहीं पीटता। लॉकडाउन के पहले महाराष्ट्र के अंदर एक मिनिस्ट्री चलती थी, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, जहां 25,000 लोग आते थे, और जब आते थे तो किसी का पत्थर निकल रहा है, किसी का जादू टोना निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, और जब वो आते थे तो हम पहले ही बोलते थे, खबरदार अगर किसी ने हमको बाबा बनाया, खबरदार अगर किसी ने हमको पापा बनाया। पापा एक ही है, पापा एक ही है, बाप एक ही है, और खबरदार अगर तेल लेकर आया तो। ना तो हम तेल देते हैं, ना तो हम तेल बेचते हैं। अगर तुमको तेल का इतना शौक है, हम तुमको तेल वाले के पास बेचते हैं। क्या लगा के रखा साहब? कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस के रोमान से और पत्रस के परिचय से, तो मैंने कहा मना किया कि पौलुस के रोमान से पत्रस के परिचय से तभी हुआ ना। तो मेरा क्वेश्चन उनसे है और आप लोगों से भी, कि पत्रस के परिचय ने ठीक किया या यीशु मसीह ने पत्रस का परिचय का इस्तेमाल किया? ये अगर समझ गए तो दूध का दूध और पानी का पानी। रोमान से अगर पौलुस के ठीक होते, मैं चाहता हूं कि प्रभु आपके द्वारा भी करे, लेकिन कम से कम करे तो सही, बेचते क्यों रोमान को? वही समझ में आ रहा है, तेल की बोतल को बेचते क्यों, और वो भी 200-200 में? ये अच्छा लगा मैंने देख के, बोला झंझट हटाओ अभी खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सामने से मिले वापस। इसने मुझे बहुत हिला दिया सर। ये व्यक्ति ऐसा था, जब इसको होश आती होगी ना, बस थोड़ा देर रुक जाना प्लीज, ये ऐसा आदमी था जब इसको होश आता होगा ना, अकेले जंगल में कब्रिस्तान में, तो खुद पर ये करता होगा, क्या जिंदगी जी रहा। इसको नहीं पता था साहब कि एक आदमी को मिलने के लिए 13 लोग आ रहे हैं।
एक यीशु 12 चेले ऐसे आ रहा है, इसको मिलने नहीं दूंगा। शैतान कहता है मैं आंधी तूफान को उठाऊंगा, उठा ले बेटा, वो फिर भी आ रहा है। बोल सकते हैं वो फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है। तो इस व्यक्ति के अंदर फिर उसे हाथ में पत्थर उठाया, बोला पत्थर से मार देंगे, भाग जाओ। इसको नहीं पता था कि जो सामने खड़ा है वो पत्थर से नहीं डरता। पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों, क्योंकि जो सामने खड़ा है वो चट्टान है, जो सामने खड़ा है वो चट्टान है। तुम चट्टान को कहते पत्थर से मारेगा, बेटा अच्छे अच्छे को गिरा चुका, तू क्या चीज है। और जब इसकी हालत ठीक हुई, साहब लिखा है कपड़े के साथ बैठा, लिखा है कि बेटा बाल सफेद थे, अच्छा साफ सुथरा था। क्वेश्चन है कि इसको कपड़ा पहनाया किसने, ऑफकोर्स मसीहा ने। इसके बाल बनाए किसने, ऑफकोर्स मसीहा ने। इसको खूबसूरत बनाया किसने, कम ऑन, ऑफकोर्स मसीहा ने। आपको नहीं बना सकता तो कपड़ों की चिंता क्यों, आपके हेल्थ की चिंता क्यों। और जीसस क्राइस्ट, हम जैसे को क्यों ढूंढते हो, ऐसी लंबी लाइन लगाकर प्रार्थना कर दो, ये है ना बाप तुम्हारे साथ। कैसा लगेगा अभी मुझे फोन करोगे, पास्टर डैनियल आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, अगर मैं उस तरफ वाला होता तो मैं कहता अरे लीजिए लीजिए लीजिए, और जैसे ही फोन आएगा, ये सिस्टर आपके घर में दुष्ट आत्मा दिख रहे हैं मुझे, आपके घर में किसी ने जिंदा सुअर गाड़ के जादू किया हुआ है, एक काम करिए अकाउंट नंबर भेजा, पैसे भेजिए, क्योंकि मुझे बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी। बेड़ा गर्क, ये होता है कि नहीं होता, ये होता है कि नहीं होता। इस आदमी ने, मैं फिनिश कर रहा हूं, इस आदमी ने जब ये ठीक हो गया, एक शब्द का सुनिए क्या कहा, कहता है कि जब नाव पर चलने लगा, कौन, मसीहा, तो वो जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। बहुत ध्यान से सुनना जो वर्शिपर्स है और वो जो गाना लिखते हैं, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको थोड़ा सा धक्का लगेगा, लेकिन सुन लो, बात बड़े मजे की है। इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपके साथ रहने दो, यीशु क्या करना चाहिए था, सीधी बात है, यीशु क्या करना चाहिए था, ओके कम आ जाओ, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसे ही है ना, मुझे यीशु की जरूरत है, कौन मना कर सकता है, मुझे यीशु चाहिए, कितनी अच्छी बात है। ऐसे गाने बनाओ, सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा, इधर से छोड़ा इधर से लंबा, आप जितना गाना बना लो, और यीशु को कहो कि प्रभु बस मुझे तेरे चरणों में रहना है। नहीं गाना ऐसा गाना, नहीं गाना, क्योंकि इसको मना किया। अब गाना नहीं गाना इसका मतलब गाना गाना छोड़ दो, वो नहीं कह रहा हूं, बात को समझो, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी चरणों पर ही बैठे रहोगे। यीशु नहीं चाहता कि तुम पूरी जिंदगी चरणों पे ही बैठे रहो, कुछ काम भी करो। मैं वो पर्पस से बोल रहा हूं, नहीं तो पता चला कि डैनियल भाई आए और बोला गाना नहीं गाना, वो नहीं कह रहा हूं, बात को समझो। यीशु को नहीं पसंद था इसका लास्ट वाला लाइन कि मुझे तेरे साथ रहना। आइए देखते क्या कहा, उसने कहा परंतु, उसने ऐसे आ गया, पंडित जी क्यों, आइए सुनते हैं, उसने कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता के तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर दुर्गा पुलिस में इस बात का शब्द पे ध्यान देना प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए और सब अचंभा करते थे। मेरा क्वेश्चन है, अगर यीशु के साथ रहता तो दुर्गा पुलिस, जिसको ग्रीक में कहते हैं 10 शहरों का रास्ता, क्या वो 10 शहर वाले लोग उधार पाते। आप आप वर्शिप करो, क्योंकि ये जो आदमी है ना 20 साल वही कर चुका है। ऐसी कोई सूफी, ऐसा कोई क्लासिकल, ऐसा कोई कव्वाली, ऐसा कोई वेस्टर्न सॉन्ग, ऐसा कोई भी प्रिज़न वर्शिप आप मेरा यूट्यूब उठाकर देख लो, मैं आपको मिल जाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रभु मैं सिर्फ प्यार ही कर रहा हूं, और इतना प्यार कर रहा हूं कि प्रभु बस चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यीशु के नाम का झंडा दूंगा, ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा ये ठीक नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कि जिसको धुन है परमेश्वर के लिए लेकिन अकल नहीं है, रोमन चैप्टर 10 वर्स 2, दे हैव अ ज़ील बट दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग। प्यार जरूरी है, लेकिन खुदा कहता है मेरा काम कौन करेगा, अगर कैसे लगेगा आपकी पत्नी, कैसे लगेगा आपका पति, मैं तुझे बहुत प्यार करता लेकिन काम पे नहीं जा रहा है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूं, आपको इतना प्यार कर सकती हूं कि कयामत से कयामत तक ही फेल है, पागल किचन में जा खाना बना, भूख लग रही है। कौन ये सुन लो, यीशु कहता है प्यार करो, लेकिन प्यार का मतलब क्या है बताएं, प्यार का मतलब है उसकी आज्ञा का पालन करना, यूहन्ना 15:14 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो
यीशु कहता है, मैं फिनिश कर रहा हूं, यीशु कहता है कि मेरे साथ मत आ, स्टेटमेंट दे रहा हूं सुन लो, ठीक लगा तो रिस्पॉन्स करना, मेरे साथ प्लीज कम, प्लीज कम, मेरे ये लास्ट है, प्लीज कम, आइए ना। कहा गया लड़का अजब का, वाह ये पक्का लास्ट है, ऐसा सोचिए सूट बूट में, सिस्टर माफी चाहता हूं, ऐसा सोचिए सूट बूट में वो आदमी है जो अभी अभी ठीक हुआ है, ठीक है ना। तो यीशु को ऐसे पूछो, बेटा यीशु जी आप ऐसे इसकी तरफ घूम जाइए, नाटक वाले यीशु जी यीशु को कहता है हाथ ऐसे कर दे बेटा, ऐसे कर बेटा, प्रार्थना नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना, यीशु को कहता है तेरे साथ चलना चाहता, इज दैट राइट, हाथ नीचे कर, यीशु कहता है जा, यीशु कहता है जा, ये कहता है मुझे आपके साथ रहना है उस पार, क्योंकि आप आए थे उस पार, यीशु कहता है बेटा तू नहीं आ सकता उस पार, तुझे जाना है उस पार, इस पार से उस पार, जबकि ये कहता है मुझे आना है उस पार, यीशु कहता है इस पार। अरे ये बात समझो, मसीह तो बन गए हो लेकिन कब सुनोगे मसीहा की बात, तो इसको सुनो आपको अच्छा लगे, आप बोल रहे ऐसे ऐसे वाला, ऐसे वाला क्या बात, नहीं समझे ज्यादा होंगे, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये ऐसे वाला, वाह यीशु के साथ ऐसा रहना चाहता था, यीशु जाना चाहेगा, थोड़ा घूम के आइए इसके साथ जाइए बेटा, साथ में यीशु कहता मैं जा रहा हूँ जॉर्डन यर्दन सब यहाँ जा रहा हूँ सर, बहुत जल्दी वापस आ गया ओके ये बंदा उसके साथ है सर वापस आइए ओके एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ऐसा देखने को अच्छा लगता है, वाओ यीशु के साथ साथ यीशु के साथ अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है यीशु के साथ, यीशु मेरे आगे है, यीशु मेरे पीछे है, यीशु मुझे घेर कर गाते के नहीं गाते, अब ये खुद यीशु बोल रहा है, क्या लगा के रखा है भाई, क्या लगा के रखा है, छोटा बच्चा नहीं दिख रहा है, छोटा बच्चा बहुत बड़ा हो गया बेटा, तू छोटा बच्चा माँ की गोद में नहीं आएगा, माँ है साथ में, माँ है साथ में, जल्दी आओ मम्मी, जल्दी आओ, जल्दी आओ मम्मी को, जल्दी लाओ बच्चे के साथ आओ, हो गया काम उसका, ये बच्चा माँ की गोद में कितना अच्छा लग रहा है, प्लीज इधर कर दे, देखिए नहीं पकड़ के रखिए, बच्चा कितना अच्छा लग रहा है सर, आप उनके बगल में आ जाओ, हाथ छोड़ दो, अब सोचिए बच्चा तो बड़ा हो गया, ऐसे हो गया, अब इनको गोद में उठाओ, कैसे लगेगा, मां खुद बोलेगी ना लायक, कितना बड़ा हो गया है अभी भी गोद में उठाऊं, छोटा था ठीक था, यीशु ऐसा ही कहता है कितना बड़ा हो गया है, मुझे छोड़ और जो मेरा चाहिए, मुझे छोड़ और मेरा जो काम है वो करके आ, भेज दीजिए सर वापस, भेज दीजिए, हाँ अब आपको पता है सीन क्या हो रहा है, आपने शब्दों की नहीं क्या, मती लास्ट का वचन क्या था 28:20 में कहता है जगत के अंत तक तू मेरे साथ रहेगा, ऐसा है, ऐसा है नो, क्या है बताए, जगत के अंदर तक यीशु आपके साथ रहेगा, आपका कहना क्या है, मैं तेरे साथ रहूंगा, यीशु क्या कहता है बेटा भूल जा मैं तेरे साथ रहूंगा, सब खड़े हो जाए, थैंक यू सर, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, इसी को रखूंगा बस, अपने दोनों हाथ को उठाए, यीशु से कहे कि प्रभु मुझे वो मसीहा चाहिए जो जी उठा है, मुझे यीशु चाहिए जो पुनरुत्थान की सामर्थ रखता है, मुझे वो यीशु का प्रचार करना है अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, जो 40 दिन के दरमियान वो शिक्षा दे गया, जहां लिखा है कि जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुझे भेजता हूं। अगर आप लोग तैयार हैं, कुछ जवान बच्चे, कुछ यंग गर्ल्स बॉयज, यहाँ पर पति पत्नी, आप मसीह तो बन गए हैं लेकिन यीशु चाहिए, यीशु कहता है कि ना बच्चा अब मुझे, मुझे तू, तुझे मैं नहीं बल्कि मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, कब जाएगा घर से बाहर, कब जाएगा अपने पड़ोस में, कब जाएगा वो काम को लेकर जो मैंने दिया था 2000 साल पहले, मैं चाहता हूं कि एक बड़े पश्चाताप के साथ, एक बड़े रिपेंटेंस के साथ में आप अपना जीवन समर्पित करें, क्योंकि आपके प्रयागराज को मसीहा की, उस मसीहा की जरूरत है जो मुर्दों में से जी उठा है, उसका प्रचार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं मुझे चमत्कार से कोई दिक्कत नहीं, चमत्कार तो यूं ही होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर कहता है कि वो रास्ता था, वो बहाना था, नहीं तो वो उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति कभी 10 शहर नहीं जाता,
वो बहाना था, आपका कैंसर बहाना है, आपका गरीबी बहाना है, खुदा को लाना है, that's it, और कुछ भी नहीं था। अपने आप को समर्पित करिए। आइए दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता तेरा दास दयानंद राज ये विनती करता है प्रभु, इस शहर के लिए, इस मंडली के लिए, इस कन्वेंशन के लिए, कि प्रभु यहां पे जितनी भी